हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं ऑटोडेस्क माया का मॉडलिंग ट्यूटोरियल, जिसमें हम एक वॉच का मॉडल बनाएंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने पहले ही माया को ओपन करके रखा है यहाँ पे, क्योंकि माया को ओपन होने में थोड़ी देर लगती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं, जैसे ये लेदर का टेक्सचर है, ये और ये, ठीक है। और एक वॉच का टेक्सचर डाउनलोड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे लेदर टेक्सचर और ये वॉच टेक्सचर, ठीक है। तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक पॉलीगॉन सिलेंडर लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस करूँगा, इसको थोड़ा ऊपर लेंगे। थोड़ा जूम करता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये बीच में एज है, वो हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मॉडल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे चैनल बॉक्स में जाऊँगा, लेयर एडिटर। आप देख सकते हैं शेप्स, इनपुट और पॉली कोलाइडर वन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे विजिबल हो चुकी है। तो यहाँ से मैं इसको कैप्स में ज़ीरो कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं मैं सब डिवीज़न कैप्स में यहाँ पे ज़ीरो कर दिया हूँ, तो ऊपर का जो एज है वो चला गया है, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके मैं आर प्रेस करता हूँ और इसको छोटा कर लेते हैं इतना सा, ठीक है। और यहाँ पे पॉली कोलाइडर में जाऊँगा, यहाँ पे सब डिवीज़न एक्सिस है, यहाँ पे मैं 15 करके देखता हूँ। अब ये राउंड लग रहा है, यहाँ पे 100 कर देते हैं, एंटर कर देता हूँ मैं। तो प्रॉपर राउंड हो गया है यहाँ पे हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ मैं, और टॉप व्यू में जाएंगे हम, यहाँ पे फेस सिलेक्ट करूँगा मैं, फेस ये वाला फेस सिलेक्ट किया। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आ जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको एक्सट्रूड फेस करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लूँगा मैं यहाँ पे इतना, यहाँ से ये जो ब्लू वाला डॉट दिख रहा है ऊपर, उसको एक बार क्लिक करूँगा तो वो बीच में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं छोटा कर लूँगा, ऐसे इतना चलेगा, ठीक है। एक बार टॉप व्यू से देख लेते हैं, ओके इतना इनफ है। वापस से पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाता हूँ मैं, यहाँ से और एक बार एक्सट्रूड करूँगा मैं, एक्सट्रूड फेस बीच में सिलेक्ट करूँगा और छोटा कर दूँगा इतना, ठीक है इतना चलेगा। यहाँ से और एक बार शिफ्ट राइट क्लिक के साथ एक्सट्रूड फेस करूँगा और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, ओके तो इतना चलेगा। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट मोड कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो हमने कुछ इस तरीके का बनाया है। अभी इसका नीचे का बेस बना देते हैं, यहाँ से मैं इस वाले व्यू में आ जाता हूँ,
यहाँ से इसको वर्टेक्स सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर ले लूँगा मैं। वॉच हमारी थोड़ी पतली कर लेते हैं यहाँ से इतनी। यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू में आके देखता हूँ वो कैसी लग रही है, तो इतना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसको इतना रखेंगे ठीक है, और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा वापस। यहाँ से पर्सपेक्टिव व्यू में जाऊँ अल्टर के साथ, मैं मिडल माउस के साथ मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक और फेस में जाएंगे ठीक है, ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट राइट क्लिक के साथ एक्सट्रूड में जाएंगे, एक्सट्रूड फेस ठीक है। ये ब्लू वाला डॉट पे एक बार क्लिक करेंगे तो वो बीच में चला जाएगा। यहाँ से थोड़ा मैं इतना यहाँ पे इतना रखूँगा। अब चाहे तो ऐसे उल्टा करके भी देख सकते हैं ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दूँगा, वापस से इस पे सिलेक्ट करूँगा थोड़ा सा जस्ट। बहुत ज़्यादा हो रहा है, बस मुझे थोड़ा सा ही चाहिए। मुझे जितना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार। ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं शिफ्ट राइट क्लिक के साथ, सॉरी राइट क्लिक के साथ फेस सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से शिफ्ट राइट क्लिक के साथ एक्सट्रूड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। मैं यहाँ से बीच में ऐसे थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में सिलेक्ट वर्टेक्स मोड, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करूँगा मैं, एक वर्टेक्स सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और शिफ्ट के साथ दूसरे वर्टेक्स पे डबल क्लिक ठीक है। ये सिलेक्ट नहीं हुआ, कंट्रोल जेड करता हूँ, एक वर्टेक्स सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ डबल क्लिक, नहीं हो रहा यहाँ पे मैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो हो नहीं रहा है हमारा, ऑब्जेक्ट मोड में वापस चला जाता हूँ मैं। वापस से एज सिलेक्ट करके देखते हैं, एज शिफ्ट के साथ डबल क्लिक, तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है ठीक है। फेस ही सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, तो इतना चलेगा, बाद में देख लेंगे हम। यहाँ से एक्सट्रूड करता हूँ मैं फेस को, यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा इतना, डब्ल्यू के साथ थोड़ा ऊपर ले लूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बस इतना सा ऊपर लिया है। यहाँ से वापस से एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं, एक्सट्रूड फेस थोड़ा सा ऊपर लूँगा यहाँ पे इतना, और इसको अंदर की तरफ थोड़ा ऐसे थोड़ा सा बस इतना खींच लेंगे ठीक है। तो ये वॉच के नीचे का हो गया, ये ऊपर का ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ वापस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, फेस यहाँ से फेस, और ये शिफ्ट, ये यहाँ पे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 ठीक है। बीच में कितना छोड़ा है मैंने, 1 2 3, एक काम करते हैं पहले सभी ले लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7
8 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने इतना वो फेस सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करके एक्सट्रूड फेस कर देता हूँ। मैं पहले कंट्रोल जेड करूँगा क्योंकि मुझे एक्सट्रूड नहीं करना है। सबसे पहले शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ पे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट फेस। शिफ्ट राइट क्लिक में जो ऑप्शन है डुप्लीकेट फेस, मैं सबसे पहले इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाले ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप बन चुका है हमारा। आपका अगर ये वाला विंडो नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से आउटलाइनर का विंडो ला सकते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं ये वाला हमारा अलग हो चुका है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर और इसको भी बाहर निकाल लूँगा मैं, दोनों को ऐसे बाहर निकाल लेंगे। और ये ग्रुप को जो है डिलीट कर दूंगा मैं यहाँ से। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे, ये साइड वाले को ऊपर ले लेंगे हम यहाँ पे, ये जो कैमरा है उसको। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया है। और ये हमारा वॉच है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। और ये हमारा यहाँ से बेल्ट बनाएंगे हम। इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड शिफ्ट राइट क्लिक और एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। और इसको हम बाहर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। तो मैं इतना एक्सट्रूड करूंगा यहाँ पे इतना, ठीक है। और यहाँ पे बीच में ऐसे क्लिक करूँगा और यहाँ से छोटा कर लूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ही हो रहा है, थोड़ा सा इधर से ट्राई करके देखता हूँ मैं। ये हो तो रहा है लेकिन दो ही हो रहा है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मोड में वापस चला जाता हूँ और यहाँ से वर्टेक्स मोड में जाएंगे वापस से। और इस साइड के जो वर्टेक्स हैं वो सिलेक्ट करेंगे, डब्ल्यू प्रेस करूँगा सिलेक्ट, जूम करूँगा मैं यहाँ पे, डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे शिफ्ट साथ डबल क्लिक। तो आप देख सकते हैं ये पूरे वर्टेक्स सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं ई प्रेस करूँगा, सॉरी आर प्रेस करूँगा और इनको ऐसे बीच में ले लूँगा थोड़ा सा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाला डॉट दिख रहा है इसको बीच में ले जाऊँगा ऐसे, तो ये एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। डब्ल्यू प्रेस करके थोड़ा आगे ले लूँगा इनको मैं इतना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितना रखना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बस थोड़ा ही होता है। तो मैं इतना कर देता हूँ यहाँ पे, आई थिंक इतना। आप चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं, बस जैसे आपको डिज़ाइन पसंद हो अपने वॉच की। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डाउन साइड ले जाऊँगा, यहाँ पे जूम करके देखता हूँ थोड़ा बस नीचे की तरफ ऐसे, ज़्यादा नहीं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम इसको ऑब्जेक्ट मोड में चला जाते हैं वापस, ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से फेस सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे फेस, और वन टू थ्री, ठीक है। यहाँ पे थ्री फ्रेस, आप चाहें तो फोर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वन टू थ्री, ठीक है। ये सीप के साथ मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं एक्सट्रूड कर दूँगा, एक्सट्रूड फेस, और इसको थोड़ा आगे ले लूँगा इतना।
तो ये इतना चलेगा। थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं इसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसको मैं ऑब्जेक्ट मोड कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा साइड का यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जिसमें हमारा बेल्ट होता है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। डब्ल्यू प्रेस करूँगा यहाँ पे, और इसको आर के साथ, हम ई के साथ, सॉरी ई के साथ इसको वाई एक्सेस में 180 डिग्री रोटेट करेंगे। ठीक है, तो -180 डिग्री हम इसको रोटेट वाई में एंटर कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रोटेट होके इस तरफ आ चुका है। तो अभी ये हमारा इतना बेस बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्लास बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये वाला हमें नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं एक न्यू वाला सिलेंडर ले लेते हैं यहाँ पे। न्यू सिलेंडर, इसको हम, आप चाहें तो यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं ग्लास। ठीक है, मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा, ऊपर की तरफ जाऊँगा। सबसे पहले मैं फेस सिलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट मोड। सबसे पहले यहाँ पे जो ये सब डिविजन्स एक्सिस 20 है, यहाँ पे 100 कर देते हैं, ताकि वो पूरा राउंड लगे हमारा। ठीक है, और फेस में जाएंगे, इतना फेस पूरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, और यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। टॉप व्यू में जाएंगे, टैब प्रेस करके आर प्रेस करूँगा और इसको छोटा कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्लास कितना रखना है। ठीक है, यहाँ पे वायर फ्रेम कर सकते हैं आप ऐसे, तो आपको पता चल गया कि आपको ग्लास कितने तक रखना है। तो आपका ग्लास जो है यहाँ से फिट हो जाएगा इतना। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, फेस सिलेक्ट करेंगे, वन एक सिलेक्ट करेंगे, एक फेस सिर्फ के साथ डबल क्लिक करेंगे। तो कभी कभी ये वर्क नहीं करता है, तो आपको ज़्यादा पैनिक में ही होना है। वैसे भी मुझे सारे फेस चाहिए, तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड फेस कर दूँगा। ठीक है, तो मैं ऊपर की तरफ बस इतना, जितना आपको ग्लास रखना है, जितना आप ग्लास रखेंगे ग्लास का रिफ्लेक्शन भी आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड कर देता हूँ, और मैं वर्टेक्स मोड में जाऊँगा। यहाँ से भी बीच वाला वर्टेक्स सिलेक्ट करूँगा। ये वाले फ्रंट व्यू में आ जाते हैं हम, यहाँ से डब्ल्यू प्रेस करूँगा मैं, और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींचूँगा ऐसे। आप देख सकते हैं मैं ग्लास का शेप जो है वो चेंज कर रहा हूँ ऐसे, इतना तो इतना इनफ है। मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ वापस। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा शेप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, एक एज तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ वापस से मैं। इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट इंसर्ट एच लूप टूल में जाएंगे, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट एच लूप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से एक ऐसा डाल दूँगा मैं एच, यहाँ पे एक एच डाल देता हूँ ऐसे।
ठीक है। और यहाँ पे बीच में तो डल नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे डाल नहीं सकते। नीचे की ओर भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना ठीक है, चलेगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड कर देते हैं, इसको शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे स्मूथ लिखा होगा, ये रहा स्मूथ, यहाँ पे स्मूथ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो शिफ्ट राइट क्लिक स्मूथ, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा स्मूथ हो चुका है। वापस से हम इसको शिफ्ट राइट क्लिक और स्मूथ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा मैं, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा स्मूथ हो चुका है। ऊपर का थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं वॉटेज सिलेक्ट करूँगा, वॉटेक्स, यहाँ से ये वाला वॉटेक्स सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे जाऊँगा, W प्रेस करूँगा और इसके लेवल में ऐसे कर दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है पूरा चिपक गया था, तो आप देख सकते हैं ये वाला, हम यहाँ पे वर्टेक्स मोड में जाएंगे, वर्टेक्स, बीच वाला जो वर्टेक्स है यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूँगा मैं, बी प्रेस कर देंगे जो हमने क्लिक किया था। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डाउन कर देता हूँ, ठीक है। अब शिफ्ट के साथ ऐसे कोई भी व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट किया है, ये अभी ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊँगा मैं अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा है हमें। यहाँ पे हम वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे पूरा ऐसे, और यहाँ पे मैं आर प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा हम इसको सीधा करने की ट्राई करते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इतना इनफ है। ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा यहाँ पे मैं, तो आप देख सकते हैं हमें जैसा चाहिए था आई थिंक मुझे ऐसा मिल चुका है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, W प्रेस करूँगा, यहाँ पे इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देंगे। फेवरेट सबसे पहले ये जो है सेंटर बायोट, वहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बीच में आ जाएगा। यहाँ से जैसे इसकी हिस्ट्री और इसका जो भी ट्रांजिशन है वो डिलीट कर दिया है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे रख देंगे ऐसे। यहाँ से मैं वायर फ्रेम ऑन कर लेता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना पुश करना है अंदर की तरफ। मैं इतना रखता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने फिट कर दिया है, तो इतना वॉच हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पे अब बेल्ट बना लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नया पॉलीगॉन लेंगे, क्यूब, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं ऐसे, इसको छोटा कर लेंगे और इसको थोड़ा लंबा करेंगे आर के साथ। आप यहाँ पे देख लीजिए आपको कितना चाहिए। या फिर आप कंट्रोल जेड कर दीजिए, W करके एक ही तरफ का बना लीजिए पहले ऐसे,
यहाँ तक, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, इतना W प्रेस करूँगा, इतना छोटा रखेंगे इसको। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा और एक और बना लेंगे। दोनों तरफ हमने यहाँ पे बना लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, इंसर्ट एज लूप टूल लेंगे, शिफ्ट इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ पे एक इंसर्ट करेंगे इतना, ठीक है, और एक बीच में इंसर्ट करेंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एज सिलेक्ट करेंगे, आर प्रेस करेंगे, सॉरी हमें एक ही सिलेक्ट करना है, ये और अल्टर के साथ नीचे वाला ये, ठीक है। तो ऐसे हमारा काम नहीं होगा, हम वर्टेक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ, ये शेप के साथ ये नीचे वाला और ये, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके इसको ऊपर की ओर थोड़ा सा ड्रैग करूँगा ऐसे, आप देख सकते हैं ये बीच में से थोड़ा सा फूल रहा है, तो मैं इसको इतना कर देता हूँ ऐसे, ये अभी अच्छा लग रहा है। इसको मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड करता हूँ, यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं सबसे पहले, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, और एक यहाँ पे लिया है मैंने इतना, ठीक है, और एक दूसरा यहाँ पे ऐसे, यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, राइट क्लिक सिलेक्ट शिफ्ट राइट सॉरी शिफ्ट के साथ वर्टेक्स में जाएंगे, यहाँ से मैं ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ चारों वर्टेक्स, यहाँ से वर्टेक्स W प्रेस करूँगा, फिर वर्टेक्स सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ताकि एक जैसा हो साइज, R प्रेस करूँगा, यहाँ पे इसको मैं इस लेवल तक ले जाऊँगा, यहाँ तक शायद यही वाला है, एक बार ऐसा करके देख लेता हूँ मैं, ये वाला नहीं है, इससे बड़ा है, तो शायद ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। तो अब मुझे सही लग रहा है, यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ वापस से, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, नीचे वाले को, यहाँ से इसको हम करेंगे
वन क्लिक करके देखेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, वन टू, ओह सॉरी इसका शॉर्टकट वन थ्री है, ठीक है। तो थ्री प्रेस करके देखेंगे, आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं जूम करके देखता हूँ, इसको मैंने स्मूथ किया है तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं वापस से वन प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इंसर्ट लूप टूल लेता हूँ, और यहाँ से एक एज ले लेता हूँ, ठीक है ऐसे, ठीक है। और मैं इसको थ्री प्रेस करके देखता हूँ, आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी। यहाँ से वापस मैं वन प्रेस करूँगा, यहाँ पे एक और आई थिंक मुझे यहाँ पे दो लेनी चाहिए, तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करूँगा एज लूप टूल पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से मल्टीपल चूज़ करूँगा, यहाँ पे दो है ही, मुझे दो ही चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे कंट्रोल जेड, यहाँ पे मैं दो लूँगा और यहाँ पे दो, ठीक है। और मैं यहाँ से वापस रीसेट कर देता हूँ, तो मुझे एक यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऐसे। अब मैं इसको थ्री प्रेस करके देखूँगा, टूल को हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा बेल्ट कुछ इस तरीके से लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा और हमें ऊपर की ओर करना पड़ेगा। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ, वन प्रेस करूँगा वापस से, यहाँ पे हम क्या करेंगे शिफ्ट इंसर्ट एज लूप टूल लेंगे, और यहाँ पे एक एक और एज बीच में डाल देंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले यहाँ पे एक डाल देते हैं, यहाँ पे एक डाल देते हैं, और यहाँ पे ठीक है। तो अब हो चुका है, यहाँ पे भी एक डाल देते हैं, इतना सा हो गया। ऑब्जेक्ट मोड करूँगा मैं यहाँ पे, इसको अब थ्री प्रेस करूँगा मैं, डब्ल्यू ऑब्जेक्ट मोड। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ से मैं क्या करूँगा वर्टेक्स सिलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा ऊपर लेके देखता हूँ, तो ये ऐसा हो रहा है। ऑब्जेक्ट मोड करूँगा, वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं फिर से, ये तो मुझे लगता है इतना चलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ ये भी, इस वाले को भी सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो इसका थोड़ा ऊपर करके देखते हैं, इतना
ये पूरा सेब बिगड़ रहा है हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे वर्टेक्स में जाता हूँ, यहाँ से इतना सिलेक्ट कर लेंगे और आर के साथ इसको थोड़ा सा ऐसे इतना कर लेते हैं और इसको इतना सिलेक्ट करेंगे, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब सही लग रहा है शायद। ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा यहाँ पे मैं, तो इतना सही लग रहा है हमें, इतना चलेगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसका कंट्रोल डी करूँगा, डब्ल्यू कंट्रोल डी। ठीक है, और इसको रोटेट कर देंगे हम, ई प्रेस किया है मैंने, तो आप देखिए वाई एक्सिस में रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें करना है 180 एंटर। ठीक है, ये हो गया। अब मैं W प्रेस करूँगा तो यहाँ पे W हो जा रहा है। मैं वापस से साइड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके W, और इसको यहाँ पे ऐसे ले लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, आप देख लीजिए। पहले सबसे पहले मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ये तीनों क्लियर कर दूंगा। यहाँ से मैं ये देखिए यहाँ पे कंबाइंड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐसे वापस से इन दोनों ये क्लिक कर दूंगा, ऐसे ये हो गया। यहाँ पे मैं एज सिलेक्ट करूंगा, एज, ठीक है, ये वाली और ये वाली, शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ पे ब्रिज। आप देख सकते हैं ये ब्रिज हमारा बन चुका है। ऐसे ही मैं ये वाली सिलेक्ट करूँगा, ये वाली शिफ्ट के साथ ब्रिज बनाएंगे, रोटेट करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रिज, यहाँ पे ये शिप के साथ डिच, ये हुआ नहीं, सॉरी, कंट्रोल जेड। तो आप देख सकते हैं ये पूरा बंद हो चुका है हमारा। अभी मैं वापस से इसको 3 प्रेस कर दूंगा तो ये ऐसे स्मूथ हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊंगा यहाँ से मैं,
आप देख सकते हैं हमारी इतनी घड़ी तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक सिलेंडर लूँगा, सॉरी क्यूब लूँगा एक, डब्ल्यू प्रेस करके इसको यहाँ पे ला देते हैं। सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं आपको कितना करना है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, इतना ही रखेंगे हम, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे लाना है इसको। ओके, तो आप देख सकते हैं ये ऐसे यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो है फेस सिलेक्ट करेंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सट्रूड फेस करेंगे और बीच में ऐसे इतना लाएंगे। आपको कितना रखना है आप देख लीजिए, ऐसा करेंगे। और यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे। अब ये वाला क्लिक कर देते हैं तो इतना ही दिखेगा हमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फेस पे जाना है, ये वाला डिलीट और ये वाला डिलीट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे ये वाला फेस भी नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं और ये वाला भी नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वर्टेक्स में जाऊँगा, यहाँ से ये वाला वर्टेक्स सिलेक्ट करूँगा और आर प्रेस करके इनको एक लाइन में ऐसे कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा डब्ल्यू प्रेस करके इस तरफ ले लेता हूँ, यहाँ तक आई थिंक रहेंगे मेरे ख्याल से, इतना ओके कर देंगे। यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड, अब हम क्या करेंगे, एज सिलेक्ट करेंगे वापस से, ये वाला यहाँ से इसको कर देंगे ब्रिज। इसको भी कर देंगे ब्रिज, ब्रिज ऐसे सभी को आपको ब्रिज कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो है हमारा ब्रिज हो चुका है। मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, इसको थ्री प्रेस कर दूंगा मैं, तो ये ऐसा हो रहा है कुछ। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस से वन प्रेस करूँगा और यहाँ पे हम शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल पे जाएंगे, यहाँ से कुछ ऐसे ऐड करेंगे हम ऐसे। अब हम इसको थ्री प्रेस करके देखते हैं, ओके वापस से वन प्रेस करेंगे, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा मुड़ रहा है तो हम इतना रखेंगे।
इस तरफ भी सेम रखेंगे। ठीक है, तो अब सही है। अब हम थ्री प्रेस करके देखते हैं तो ये ज़्यादा मूव जो है नहीं हो रहा है। ठीक है, वापस से वन प्रेस करूँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 1 2। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 ऐसा कर देंगे हम। अभी थ्री प्रेस करके दिखाता हूँ मैं आपको ऑब्जेक्ट मोड, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल लेना है आपको, और यहाँ पे एक एक दो, ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो। यहाँ से मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता। अब आपको क्या करना है, ये इस वाले व्यू में जाना है, यहाँ पे, यहाँ से इसको कर देना है वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, ये वाला व्यू कर देख लीजिए आप, यहाँ पे इस इतना वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे हम, वर्टेक्स, डब्ल्यू प्रेस करूँगा, यहाँ पे इतना सिलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे लेंगे, बीच वाला सिलेक्ट कर लूंगा, हमें कुछ ऐसा ही चाहिए, ये वाला सिलेक्ट करके रोटेट करूंगा थोड़ा, यहाँ से ऐसे। ठीक है, आप यहाँ पे जाकर देख लीजिए वो कैसा लग रहा है। ऑब्जेक्ट मोड, ओके। ठीक है, ये वाला जो है हाइड वाला वो मैं बंद कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है हमारा वॉच यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये इसको कंट्रोल डी करूँगा, डब्ल्यू प्रेस करके इसको इस तरफ ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको वन प्रेस करूँगा, फेस सिलेक्ट करूँगा, मुझे ये वाला फेस नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूँगा। वर्टेक्स मोड में जाऊँगा, इतना सिलेक्ट करूँगा, इसको सीधा कर लूँगा ऐसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं एज में जाऊँगा, ये पूरी एज सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से शिफ्ट राइट क्लिक, फिल होल पे क्लिक करूँगा तो ये फिल हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट मोड। इसको ये तीनों बटन पर क्लिक कर दूँगा मैं, इसको बीच में ले लेते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, इतना। ठीक है, इसको ऊपर से भी थोड़ा छोटा कर लेंगे, इतना। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारा तैयार हो चुका है, इसको मैं थ्री प्रेस कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हमारी वॉच ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको पहले हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको शिफ्ट के साथ ऐसे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से कंट्रोल जी कर दूँगा ग्रुप में। ठीक है, इसका प्राइवेट पॉइंट सेंटर में ले लेता हूँ, अभी मैं
ई प्रेस करूँ मैं यहाँ से, और इसको हम रोटेट कर लेते हैं ऐसे इस तरफ, ठीक है, जेड एक्सिस में 90 डिग्री, 90 एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो किस तरफ है, तो ये सही एंगल है। यहाँ पे इसको इस तरफ कर लेता हूँ मैं, ये जो है रोटेट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा शेप देंगे जैसे वो रखा हो, ठीक है। तो इसको हम इंसर्ट एज लूप टूल देंगे, और यहाँ पे कंट्रोल जेड डब्ल्यू इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ से ये एज जो है नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट मोड, इसका हिस्ट्री डिलीट कर दूंगा। अब इंसर्ट एज लूप टूल में जाऊंगा, वन प्रेस किया है मैंने, तो यहाँ पे अब ये आ रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने कितने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड करूँगा और वापस से इसको थ्री प्रेस कर दूँगा मैं, ठीक है। अभी हम इस पे जाएंगे, डब्ल्यू प्रेस करके ये सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट एज लूप टूल देखता हूँ, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट मोड डब्ल्यू वन इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पे एक दो एक दो, ये कहीं और पे क्लिक हो गया, ऑब्जेक्ट मोड शिफ्ट इंसर्ट एज लूप टूल, और प्रॉपर एज पे रख के आप नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हो चुका है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मोड कर देता हूँ, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको रोटेट करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे, ये वाले इतने वर्टेक्स डब्ल्यू, और ये ठीक है, ये सिलेक्ट हो चुका है। इसको हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा हो रहा है। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ से मोड़ूँगा इतना, और इसको हम रोटेट भी करते जाएंगे ऐसे डब्ल्यू, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ से सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इतना, इसको इससे इतना कर लेंगे, डब्ल्यू प्रेस करूँगा, और यहाँ पे ऐसे रख दूँगा इसको, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इतना, तो इतना चलेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, और अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, वर्टेक्स में जाऊँगा डब्ल्यू, यहाँ पे इतना इसको रोटेट कर देंगे ऐसे,
तो इतना ये हो चुका है, वापस से इतने सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले रोटेट ही कर लेते हैं इसको ऐसे, W इतना, तो इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैं इसको इतना रोटेट करूँगा ऐसे, W प्रेस करके थोड़ा आगे ले जाऊंगा ऐसे, और ये लास्ट वाला जो है इसको ई प्रेस करके ऐसे रोटेट कर देंगे ऐसे, और W प्रेस करके इसको अपनी पोजीशन पे ले जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट करके थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इधर उधर करके थोड़ा इसको ठीक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हमने इस तरीके से रोटेट कर लिया है। आप चाहें तो थोड़ा और भी रोटेट कर सकते हैं, मैं थोड़ा और कर ट्राई करके देखता हूँ यहाँ से। तो ऐसे W प्रेस करके ऐसे मूव करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ से थोड़ा ऐसे दूर ले लूँगा। तो चलेगा दोस्तों, ये इतना काफ़ी रहेगा। थोड़ा सा हल्का सा जो है हम इसे ठीक कर लेते हैं इधर उधर करके, तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ का हमने पूरा रोटेट कर लिया है। इसको मैं वापस वन प्रेस करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको हम कर देंगे 3 प्रेस स्मूथ, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ। ठीक है, अब हम इसको रोटेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे पहले, और अब वर्टेक्स में जाएंगे, W प्रेस करेंगे और इतने वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इस तरफ ले जाऊंगा इसको और ऐसे मूव करूंगा W, इतना रखेंगे। ठीक है, मैं प्रॉपर ऊपर से देखता हूँ कितना रोटेट करना है हमको। ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा रोटेट कर लेते हैं इतना, ये वाला इतना, ये वाला इतना, तो दोस्तों आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा वैसे ऐसे रोटेट कर लें। ऐसे अब मैं इसको सेट करता हूँ, W प्रेस करूँगा, यहाँ पे रखूँगा इतना, इसको ले आऊँगा,
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है पूरा सेट होता जा रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक रोटेट कर लिया है, आप चाहें तो ऐसे सेट करके रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ मैं, मुझे ये वाला कुछ इतना चाहिए। डब्ल्यू प्रेस करूँगा, यहाँ पे ले जाऊँगा, इतनी थोड़ी गैप रखूँगा ऐसे। ये वाला पूरा जो है थोड़ा इस तरफ रहेगा ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आपको ऐसे सेटअप करना है ऐसे। तो दोस्तों देखिए, इतना थोड़ा सा उधर से लग रहा है, अब हम इसको पूरा प्रॉपर सेट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्रॉपर राउंड में सेट कर लिया है। मैं यहाँ पे आपको आके आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि ये पूरा इस तरीके से सेट हो चुका है हमारा जो वॉच है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वाला उठाऊँगा पूरा ऐसे, इतना वाला यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल जी कर देंगे हम, इसका पायवट पॉइंट बीच में ले लेंगे और इसको ई प्रेस करके 180 डिग्री घुमा देंगे, एंटर, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारी वॉच कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो आइए थोड़ा इसको और ठीक करते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स में चला जाता हूँ मैं, इसको थोड़ा ऐसे ज़्यादा रोटेट कर दिया है हमने, इतना रखेंगे और डब्ल्यू प्रेस करके थोड़ा अंदर की तरफ लेंगे इतना।
आप देख सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा अब ठीक लग रहा है। ऐसे तो दोस्तों इतना चलेगा। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं हमारी वॉच कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दी है। एक यहाँ से मैं पॉलीगॉन सिलेंडर ले लेता हूँ, ऐसे डब्ल्यू प्रेस करके इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको कंट्रोल के साथ आर प्रेस किया मैंने, कंट्रोल के साथ इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये वाले व्यू में आ जाता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करूँगा और इसको यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, ये अभी पिन बहुत बड़ी लग रही है तो इसको और छोटी कर देता हूँ मैं, इतनी। डब्ल्यू प्रेस करूँगा, थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा छोटी कर लूँगा। ये वाले व्यू में आके डब्ल्यू प्रेस करके इसको मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, और मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, कंट्रोल डी, और यहाँ पे इसको इस तरफ ले आएंगे। जूम करके मैं यहाँ पे इसको भी सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी ये पिन जो है वो लग चुकी है, कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा वॉच। एक चाबी बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारी चाबी जो है वो ऊपर की तरफ होगी। तो मैं क्या करूँगा, एक और, या फिर इसको ही कॉपी कर लेते हैं, नहीं एक और ले ही लेते हैं यहाँ से सिलेंडर, इसको ऊपर लूँगा थोड़ा सा ऐसे, येलो वालों के साथ इस तरफ आएंगे, रेड के साथ ऊपर लेंगे। इसको छोटा कर लेते हैं पहले, तो डब्ल्यू प्रेस करूँगा, यहाँ पे आ जाते हैं। कंट्रोल आर के साथ, कंट्रोल के साथ इतना छोटा कर लेंगे इतना, ठीक है, और इसको छोटा कर लेते हैं। डब्ल्यू प्रेस करके इसमें अंदर थोड़ा डाल देंगे ऐसे, तो इतना चलेगा। इसका जो कैप है हम निकाल देते हैं जीरो करके। पे आ जाता हूँ यहाँ पे, ये जो है फेस सिलेक्ट करके मैं फेस सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले ऐसे, यहाँ से एक्सट्रूड फेस करूँगा, थोड़ा सा ऊपर लूँगा और बड़ा कर लेंगे यहाँ से। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, वापस से कंट्रोल जेड और वापस से कंट्रोल जेड, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल जेड क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले एडिट कर लेंगे और फिर फेस सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको एक्सट्रूड फेस करके ऊपर ले लेंगे इतना और इतना, ठीक है। यहाँ से वापस एक्सट्रूड फेस करूँगा, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। इसको ऊपर ले लेते हैं इतना,
एक्सट्रूड फेस, ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम डाउन कर देंगे इतना। ओके, तो ये अब ठीक लग रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा और आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, या फिर ये अच्छा ही लग रहा है, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तो हमारी वॉच जो है अभी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसमें 100 दे देते हैं और फेस को। ठीक, हम अपना वॉच ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है हमने वॉच ग्रुप में नहीं डाला है। तो इस सिलेंडर को हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं, ऐसे आइकॉन पे क्लिक करके, और ये शिफ्ट शिफ्ट ये के साथ इसको डाल देते हैं ग्रुप में। अब ये हमारा पूरा ग्रुप हो चुका है। हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पूरा हिस्ट्री वगैरह इसे डिलीट कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, W प्रेस करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे इतना, वापस से रोटेट करेंगे। ऐसे W प्रेस करके इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे। ओके, ठीक से देख लेते हैं ये पूरा। हाँ, रहा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वॉच जो है ऐसे रख दिया है हमने। तो चलिए इसमें हम टेक्सचरिंग करते हैं। सबसे पहले मटेरियल देंगे, तो इसको ग्लास मटेरियल देंगे हम। शिफ्ट सॉरी कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और असाइन न्यू मटेरियल और नोड या स्टैंडर्ड सरफेस, यहाँ पे मैं इसको ग्लास लिख देता हूँ। एंटर, प्रीसेट और ये ग्लास रिप्लेस। ठीक है, असाइन एग्जिटिंग मटेरियल, यहाँ पे ग्लास वन। तो आप देख सकते हैं शायद ले लिया है, लेकिन ओके, तो ग्लास का मटेरियल ले लिया है यहाँ पे। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ऐसे, यहाँ पे ये वाला क्लिक करेंगे, यहाँ पे फेस पे आ जाता हूँ मैं। फेस फेस W, ये वाला सिलेक्ट करता हूँ मैं। शिफ्ट, यहाँ से डुप्लीकेट फेस और ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट फेस कौन सा है। W प्रेस करूँगा, ये वाला है W। थोड़ा सा ऊपर लेंगे यहाँ पे इसको, कंट्रोल Z, चैनल बॉक्स में जाएंगे। आप देख सकते हैं ये अभी XY में चेंज हो रहा है ऐसे। कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे 0.0.01 और यहाँ पे भी 01। यहाँ पे कंट्रोल S, प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप। वॉच मॉडलिंग
वॉच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं एक न्यू मटेरियल दे देता हूँ, शिफ्ट सॉरी राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, अननोड, एआई स्टैंडर्ड सरफेस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे गया, अननोड एआई स्टैंडर्ड सरफेस, राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट, प्रीसेट, ब्रशेड मेटा, रिप्लेस। ठीक है, यहाँ पे हम मेटल कर लेंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे मैं सब विजिबल कर देता हूँ वापस से। तो हमें ये वाले में, ये वाले में, ये वाले में, ये वाला और ये वाले में, और यहाँ पे, यहाँ पे वही वाला मटेरियल देना है। ऐसे राइट क्लिक करूँगा, मैंने शिफ्ट के साथ कर लिया है वापस से, राइट क्लिक, असाइन एग्जिटिंग मटेरियल, यहाँ पे मेटल ले लेंगे, और ये हो गया। ठीक है, और शायद हमने ग्लास दे दिया, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं वापस से, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, और हमें लेना है मेटल अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम आते हैं एंड नोड, और यहाँ पे लाइट्स में जाएंगे, स्कैड लाइट ले लेंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे सही है, कुछ नहीं करना है, रेंडर करके देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो हमारी वॉच कुछ ऐसी दिख रही है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये इस बीच वाले को सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है, और यूवी में जाना है, यूवी एडिटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पे इसको यूवी करूँगा और ये पूरा सिलेक्ट करूँगा, डब्ल्यू प्रेस करूँगा, अनफोल्ड कर लेते हैं, अनफोल्ड। ठीक है, शिफ्ट के साथ मैंने अनफोल्ड किया, नॉर्मलाइज कर लेंगे इसको, तो ये इस तरीके से नॉर्मलाइज हो गया है, ये सही है फिलहाल के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, माया, ब्राउज करेंगे, डेस्कटॉप, वॉच मॉडलिंग, और यहाँ पे इसका नेम दे देंगे UV1। ठीक है, सेव कर लेते हैं, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, तो ये यूवी हमारा सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं अपना, फोटोशॉप। यहाँ से हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं जो हमने अभी सेव किया, तो यहाँ से वॉच मॉडलिंग और यूवी ओपन। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे देखिए आप क्लिक कीजिए ये वाले आइकॉन पे, सॉलिड कलर, और यहाँ पे वाइट ले लीजिए और इसको नीचे ऐसे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना इमेज वाला विंडोज ई प्रेस किया मैंने,
डेस्कटॉप, वॉच मॉडलिंग और ये वाला इमेज। ठीक है, ये वाला इमेज यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ ऐसे, इसको बड़ा कर लेंगे। जितना आपको रखना है, अगर ब्लैक वाला पोर्शन आपको रखना है तो ब्लैक वाला रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए। आपको बस ऐसे यहाँ पे ड्रैग करके एडजस्ट करना है। या फिर मुझे लगता है शायद हमने गलत टेक्सचर उठाया है, तो कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। आप बस ऐसे सेट कर दीजिए इसको, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, तो इतना हमने सेट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम हाइड कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, फाइल सेवस, वापस से डेस्कटॉप यहाँ पे जाएंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, सेव यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला क्लोज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। ये इसको फिलहाल के लिए हम वो वाला ढूंढ लेते हैं जो हमारा हमने एक्सट्रूड किया है, शायद इस वाले ग्रुप में होगा, ये रहा। ठीक है, तो ये वाला है यहाँ पे, इसको ऐसे कर देंगे हम। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके यूवी में जाएंगे, यूवी। ठीक है, यहाँ पे यूवी एडिटर में आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट मोड। तो ये बार बार ग्लास में जा रहा है, ठीक है, तो मैं ग्लास को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये वाला सब कर दूंगा और W का प्लेस करके साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वापस क्लिक करता हूँ, यूवी यूवी एडिटर ये हो गया। इसको सिर्फ राइट क्लिक करके यहाँ पे यूवी सिलेक्ट कर लूँगा मैं ऐसे पूरा, और सिर्फ राइट क्लिक नॉर्मलाइज, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक मटेरियल दे देते हैं कंट्रोलर, असाइन न्यू मटेरियल, अननोन, ये स्टैंडर्ड सरफेस, और यहाँ पे कलरफुल दे देंगे, और कलर में जाके फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके डेस्कटॉप जो हमने ये यूवी पीएसडी सेव किया है इसको ओपन कर देते हैं। आप कुछ रेंडरिंग करके देख लीजिए, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यूवी 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 एडिटर में चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेक्सचर जो है नहीं आया है अभी, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ मैं वापस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अभी तक मटेरियल नहीं मिला है।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिछली बार हमने जो फाइल डाउनलोड की थी HDRI वो डाल देंगे, वो होगी हमारी माई कंप्यूटर डेस्कटॉप संजू डाउनलोड्स, और ये HDRI यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और रेंडर करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो हमारी घड़ी कुछ इस तरीके की लग रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें थोड़ा और ऐड करते हैं टेक्सचर वगैरह, इसको असाइन न्यू मटेरियल दे देते हैं और नोट, यह स्टैंडर्ड सरफेस, इसको पूरा वाइट कर देंगे। अब देखते हैं, तो ये बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, असाइन न्यू मटेरियल ऑन नोड या स्टैंडर्ड सरफेस, और यहाँ पे लिखेंगे बेल्ट एंटर कर देता हूँ मैं। बेल्ट यहाँ पे कलर में जाएंगे, फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे जाऊँगा मैं, और डेस्कटॉप वॉच मॉडलिंग, और यहाँ पे हमने इमेज ये वाला या ये वाला कोई भी डाल दीजिए, मैं ये वाला डाल देता हूँ ओपन। अब मैं रेंडर करके देख लेता हूँ एक बार। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है हमारा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें जाऊँगा यूवी यूवी, ठीक, और यहाँ पे यूवी यूवी एडिटर, और सिलेक्ट करूँगा पूरा यूवी, और यहाँ पे नॉर्मलाइज कर दूँगा, अनफोल्ड करूँगा पहले अनफोल्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा अनफोल्ड हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको नॉर्मलाइज कर देता हूँ, और ये टेक्सचर जो है इसमें वापस जाएंगे हम, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड मटेरियल एस्ट्रीब्यूट, ठीक है, यहाँ पे इसमें चले जाएंगे रीलोड यूज इमेज सीक्वेंस, यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसमें आते हैं, हमें सैंपल चेंज करना है। फाइल बॉक्स ऑफ जो भी था, हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ये वाला ही होगा। तो हमें सैंपल्स जो है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक मटेरियल एस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ से स्पेक्युलर इसका कम कर देंगे। अब देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है कैसा लग रहा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये अच्छा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी को ले लेंगे शिफ्ट, असाइन मटेरियल,
एग्जिटिंग, और जो लास्ट में अप्लाई किया था शायद 5 है। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं वापस प्रीव्यू। तो नहीं, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जाऊँगा, मटेरियल एस्टीमेट देखूँगा, ये बेल्ट लिखा है यहाँ पे, एग्जिटिंग मटेरियल बेल्ट ले लेंगे। ये जो ग्लास है इसको, ग्लास को सिलेक्ट करेंगे ऐसे यहाँ पे, और यहाँ से फिट हो जाएगा। आप देखिए ऐसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। अगर ठीक से नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है तो आपको यहाँ पे जाइए, यूवी में जाइए, यूवी एडिटर में जाइए, सिलेक्ट कीजिए पूरा ऐसे, यूवी सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से अनफोल्ड अनफोल्ड कर दीजिए, वापस से अनफोल्ड 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 अनफोल्ड। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ नॉर्मलाइज। कंट्रोल एस कर देते हैं, ऑब्जेक्ट मोड, और अब रेंडर निकल के देखते हैं कुछ इस तरीके से। तो देख दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी कुछ यहाँ पे बिगड़ रहा है टेक्सचर। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अभी हमें ठीक करना होगा। यहाँ पे मैं यूवी यूवी एडिटर में जाऊँगा, यूवी एडिटर, इसको वापस से ऐसे अनफोल्ड अनफोल्ड करेंगे, और यहाँ पे 5 दे देते हैं, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, तो ये वाला सिलेक्ट हो रहा है, और ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कट सही जगह से लगा नहीं। एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इतने एज सिलेक्ट कर लूँगा ऐसे, सॉरी एज में चले जाते हैं एज। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये वाला, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, ये वाला, इसके साथ ये वाला, ये वाला भी, ये वाला, और ये वाला भी।
को। यहाँ से मैं इसको कर दूंगा सेव, और सेव कर दूंगा। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट करूंगा, ऐसे सभी सिलेक्ट करके मैं पूरा सेव कर दूंगा। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट करूँगा, ऐसे यहाँ से मैं कर दूँगा सेव, ये वाले मेन्यू में सेव। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये पूरा पकड़ूँगा ऐसे और यहाँ से कर दूँगा सेव। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ कट लगाने के लिए यहाँ से। ठीक है, ये वाली शेप के साथ, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यहाँ से इसको ये और ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं कैसे ये पूरी लाइन जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ, बस हमें पीछे की एक ऐसे लाइन सिलेक्ट कर लेनी है पूरी। यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लगेगा कट। यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इतना सिलेक्ट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कट। ठीक है, तो इतना हमने कट लगा दिया, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अनफोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से अनफोल्ड हो चुका है। यहाँ से मैं अनफोल्ड किया हूँ, पूरा सिलेक्ट कर लूँगा वापस। अब मैं जाऊँगा यूवी, पूरी यूवी सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मलाइज पे क्लिक कर दूँगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं ये सेट हो गया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, इस विंडो को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब हम रेंडर करके देखते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं घड़ी हमारे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अब क्या करेंगे, थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह दे देते हैं, स्काई डूम लाइट को डिलीट कर देते हैं हम दोस्तों। और यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं, ऐसे डब्ल्यू प्रेस करूँगा, ऊपर लेंगे इसको, बड़ा कर लेते हैं इतना। फेस सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, फेस यहाँ से डिलीट, और ये डिलीट कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, शिफ्ट, यहाँ पे इसको एक मटेरियल दे देते हैं, असाइन न्यू मटेरियल,
एल नॉट, यह स्टैंडर्ड सरफेस दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ ठीक है। यहाँ पे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट में जाऊँगा मैं, और इमिशन आप देख सकते हैं यहाँ पे इमिशन से इसको मैं पूरा ऐसे ग्लो कर देता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करूँगा। यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर लेते हैं और रेंडर करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पे, तो इसको इमिशन जो है मैं कम कर देता हूँ थोड़ा, मटेरियल स्टेबल इमिशन इतना कर देते हैं। अब देखते हैं ठीक है, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं या फिर इसको जीरो ही कर देते हैं। यहाँ से मैं एक लाइट ले लेता हूँ, एनोड लाइट, और यहाँ से एरिया लाइट ले लूँगा, इसको ऊपर की तरफ लेता हूँ थोड़ा सा, इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरफ ऐसे ठीक है। इसकी इंटेंसिटी कर देता हूँ मैं 5 रखते हैं और वापस से रेंडर कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं ऐसे, इस वाले बॉक्स में जाएंगे मटेरियल स्टेबल ठीक है, इसको कलर वाइट दे देते हैं ये वाला, और इसको ऊपर कर लेते हैं डब्ल्यू, यहाँ पे खड़ा कर लेंगे इतना। अब रेंडर व्यू में देखेंगे तो देखिए हमने इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दी यहाँ पे, तो ये प्रॉपर वाइट जैसा दिख रहा है मटेरियल हमारा। और ठीक है दोस्त, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसका कंट्रोल डी करेंगे, डब्ल्यू छोटा कर लेंगे इतना ठीक है, इसको साइड पे कर देंगे यहाँ पे ऐसे, थोड़ा सामने की ओर रखेंगे ऐसे, डब्ल्यू प्रेस करूँगा इस तरफ ले लूँगा, थोड़ा नीचे की ओर लेंगे ऐसे। अब रेंडर करके देखता हूँ मैं थोड़ा, कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लाइट का कलर जो है मैं चेंज कर देता हूँ, हम ब्लू वाला कर देते हैं यहाँ पे, ब्लू ऐसा वाला ठीक है।
अब रेंडर करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे, और लाइट चेंज करके आप बहुत ही बढ़िया लुक दे सकते हैं अपने वॉच का। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।